दोस्तों गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं और इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अनकेडमी यू दोस्तों तारीख है आज 20 जून और समय है मॉर्निंग कितने बजे का दोस्तों पाँच बजे का पाँच बजे आप मेरे साथ होते हो मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज़ के अंदर सो मॉर्निंग करंट अफेयर क्विज़ के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों लेट स्टार्ट जल्दी से इसको शुरू करते हैं सो so मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये यू पी एस सी सी एस सी दो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुमित है आप जो देख रहे हो ये मेरा कोड है इस कोड का आप यूज़ करोगे तो आपको अन अकेडमी पर टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा बात डिस्काउंट की नहीं है दोस्तों बात है सपने पूरे करने की और इस डिस्काउंट का इससे सबसे डिस्काउंट के लिए आप कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो बट मेरा कोड तभी यूज़ करना जब आपको मेरे गाइडेंस के अंदर काम करना हो आप मेरी मैंटरिंग के अंदर काम करना चाहते हो आप मेरे पे भरोसा करते हो और आप काम करने के लिए रेडी हो मेहनत करने के लिए रेडी हो क्योंकि मैं मेहनत कराऊंगा आप लोगों से दोस्तों सो so, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों टू ईयर का जो एकेडमी सब्सक्रिप्शन है वैसे इसका कॉस्ट कितना है इट विल कॉस्ट यू अराउंड सिक्सटी फोर थाउजेंड बट अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करके आप इसको ज्वाइन करते हो तो यू विल यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली 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 एट फिफ्टी ठीक है वन ईयर का कोर्स जो है ये कितने का है दोस्तों आपका दिस विल कोस्ट यू अराउंड लाइक फोर्टी फोर थाउजेंड और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सुमिट टेन कोड आपको मिलेगा ये सिर्फ थर्टी नाइन थाउजेंड के अंदर तो डिस्काउंट तो है ही है साथ साथ में दोस्तों क्या है मेरा गाइडेंस सो so, अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और आप मुझे अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हो ठीक है जब अकेडमी पर ज्वाइन करोगे दोस्तों अभी वर्तमान में अपना कोर्स चल रहा है वर्ल्ड जोग्रफी का सो मैं आपको बता दूँ दोस्तों वर्ल्ड जोग्राफी में अभी हम क्या चला रहे हैं मिशन आई ए एस मिशन आई ए एस दो हज़ार बीस का प्रोग्राम और मिशन आई ए एस दो हजार इक्कीस का प्रोग्राम अभी रनिंग पे है आप आ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड सुमिट टेन तो याद रखना कोड अपना सुमित टेन आप आएंगे ना तो आपको फिजिकल जोग्रफी भी मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिलेगा आपको इकोलॉजी का कोर्स भी मिलेगा बस याद जो रखना है वो क्या रखना है सुमिट टेन ये कोड है अपना इसी कोड को आपको इस्तेमाल करना है टू गेट टेन परसेंट ऑन एंड अकेडमी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो आज पहला सवाल हमारा कोयर जियो टेक्सटाइल के द्वारा ये देख रहे हो दरी टाइप का यार नारियल देखा है? नारियल नारियल के ऊपर जो छाल होती है नारियल निकालते हैं उसके ऊपर छाल जो होती है वो जो भूसे टाइप का जो होता है उसको हम निकाल के फेंक देते हैं यार वो जो निकाल के फेंकते हो ना उसका बहुत तगड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हो किसम उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो यार ये टेक्सटाइल टेक्सटाइली दरी बनाने में और इस दरी का फिर बहुत सारे इस्तेमाल है ये देखो दरी जो है ये परमिएबल होती है परमिएबल मतलब पारदर्शी होती है आप आर पार देख सकते हो इसमें ठीक है आप आर पार क्या कर सकते हो इसमें देख सकते हो ठीक है और अभी इसका इस्तेमाल लेटेस्टली बोल दिया गया गवर्नमेंट ने है ना रूरल रोड जो बनाए बनाए जाएंगे रूरल एरिया के अंदर तो उनके अंदर में इन कोयर जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाएगा काफ़ी सारे फायदे हैं इसके दोस्तों ये गलती नहीं है सड़ती नहीं है है ना किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल अटैक नहीं होता इनके ऊपर सो इनको कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेचुरली बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहती है तो बहुत सारे इसके क्या हैं दोस्तों आपके बेनिफिट्स हैं एंड दैट्स वाई हम इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल फीचर ऑफ द कोयर जियो टेक्सटाइल कोयर भू वस्त्रताओं के, विशेश्टा, विशेश के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करना है कहला क्या, क्या है कोयर जियो टेक्सटाइल इज इम्परमीएबल देखो यार इम्परिमिएबल तो नहीं कह सकते देखो आप देखोगे तो आर पार दिखा जा सकता है परमिएबल होती है पारदर्शी होती है है ना तो ये स्टेटमेंट तो वहीं पे गलत हो गया सेकंड जो है मैंने अभी बताया था ये रेजिस्टेंट टू रॉट गलती नहीं है मोल्ड एंड मॉइस्चर नहीं होता फ्री है किसी माइक्रोबियल अटैक से तो दूसरी बात बिल्कुल सही है सही स्टेटमेंट क्या हुआ ओनली बी बी इज़ द करेक्ट आंसर बी इसका क्या है दोस्तों सही जवाब बट इसमें गलत लिया हुआ है ये मार्क गलत हो गया कोई चिंता वाली बात नहीं है सेकेंड इसका क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है ये नहीं है सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है सो so, कोयर जो है मैंने बताया एक हंड्रेड परसेंट प्राकृतिक फाइबर है बिल्कुल यार नारियल के छाल से बना है, तो प्राकृतिक हुआ ना तो प्राकृतिक फाइबर है जिसको बनाया जाता है विच इज ऑप्टेड रिन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कॉकोरेट अस्कर है जो नारियल है उसकी भूसी से ही तो बनता है ये तो बिल्कुल टोटली कैसा है दोस्तों आपका ये सौ प्रतिशत नेचुरल है हंड्रेड परसेंट प्राकृतिक है और ये मैंने बता ही दिया रेजिस्टेंट होता है रॉट गलता सड़ता नहीं है बदबू नहीं आती इसके अंदर और किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल एक्शन है माइक्रोबियल हमला उससे मुक्त रहता है आपका कोई भी माइक्रोबियल एक्शन इस पर काम आपको कोई रासायनिक उपचार करने की आवश्यकता नहीं है है ना सो इसको आप बहुत सारे पर इस्तेमाल कर सकते हैं देखो पानी का फ्लो भी रोक देता है है ना पानी का फ्लो को कम कर देता है उसकी जो एनर्जी है उसको कम करता है मिट्टी के कटाव से रोकता है तो बहुत सारे इसके क्या हैं दोस्तों बेनिफिट्स हैं सो काफ़ी परमिएबल है मतलब पारदर्शी है पारगम्य है नेचुरल है स्ट्रॉन्ग है मजबूत है और ड्यूरेबिलिटी मतलब चलता लंबे समय के लिए ये लैंड सरफेस भूमि की सतह की रक्षा कर सकता है जिससे आपका क्विक वेजिटेशन प्रमोट होती है तेजी से आपकी वनस्पति ग्रो कर सकती है यहाँ पर इट इज़ टोटली बायोडिग्रेडेबल एकदम बायोडिग्रेडेबल है आप आप इसको बिल्कुल मतलब नेचर पे से कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा और ये मिट्टी को भी आपका स्थाई बनाता है तो दोस्तों ये था हमारा इसके बारे में जो पानी का फ्लो होता है ना जब पानी बहता है तो उसमें बहुत तेज एनर्जी होती है तो उसकी एनर्जी को कंट्रोल करता है पानी की और जो रेडिएशन एक्सेस सोलर रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अभी अभी इसको एकडिट मतलब अनुमति दे दी गई है किसके लिए दोस्तों रूरल रोड रूर कंस्ट्रक्शन के लिए इसको अनुमति जो है रूरल रोड रूर कंस्ट्रक्शन के लिए वो सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है अगली मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट द डिजर्टिफिकेशन यार अभी आपको पता है सत्रह जून जो है ना सेवेंटीन जून अभी सेवनटीन जून जो है इसको आपका यू एन एस सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी यू एन एस सी नेशन जनरल असेंबली नॉट यू एन एस सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यू एन जी ए ने सत्रह जून को दोस्तों क्या डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट द डिजर्टिफिकेशन कि डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए उसे उस खतरे से बचने के लिए सरकार ने दोस्तों सॉरी यू ने यू ने सत्रह जून को क्या डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन अभी था सत्रह जून अभी तो गया है और जो इसकी पहले इससे बैठक हुई थी ना दोस्तों कॉप की जो बैठक हुई थी फोर्टीन बैठक जो हुई थी वो आपका इंडिया में ही हुई थी है ना और उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया भी गया था सर ये कॉप कब निकल के आया था यूएनसी देखो हमारे पास अगर आपको बात याद हो तो रियो समिट हुई थी कब हुई थी यार रियो समिट जिसको हम अर्थ समिट भी कहते थे क्लाइमेट में पढ़ाया था नाइनटीन के अंदर हुआ था रियो समिट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट बोला गया था सो अर्थ समिट के दौरान ये हुआ था रियो समिट के दौरान हुआ था क्या कि रियो समिट के दौरान क्या किया गया था दोस्तों तीन बॉडी बन के बाहर आई थी ठीक है पहले कौन सी थी पहला था यू एन सी सी डी यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बेट द डिजर्टिफिकेशन यू एन एफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी बी डी तो ये जो है यू एन सी डी ये आउटपुट है किसकी दोस्तों रियो समिट अर्थ समिट का एक का है आउटपुट है ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट द डिजर्टिफिकेशन कि यार आपको इससे संबंधित कुछ कथन है विचार करने हैं बताना है पहला कह रहा है इट इज़ सोलली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट देखो यार एक बात तो समझ लो आप ये विश्व का एकमात्र ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इस प्रकार से पर्यावरण को और भूमि प्रबंधन को आपस में जोड़ता है ये पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय समझौता है आपका ये अगर मैं बात करूँ अभी यू एन सी सी डी की यू एन सी सी डी कॉ फिफ्टीन की बैठक जो हैड अडॉप्टेड द डेली डेक्लेरेशन अभी उसने दिल्ली डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया दिल्ली घोषणा को अपनाया है और ये जो दिल्ली घोषणा इसके बारे में बताऊंगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों आपकी सही है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर है ना अब ये जो यू एन जे ने बताया ना मैंने सत्रह जून जो है इसको क्या बनाया आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन अभी बनाया ना इसको ठीक है और अभी नहीं बनाया बहुत पहले बनाया हुआ है तो इसका इस बार का जो थीम था वो तो क्या था फीड फूड फीड फाइबर है ना भाई फूड भी देगा आपको आप फीड भी कर सकते हो पशुओं को खाना दे सकते हो इससे और फाइबर आपको रेशा भी मिलेगा यहाँ से ये जो डे है ऑफिशियली जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1994 में डिक्लेयर किया था भाई ऐसा हम दिन बनाएंगे कोई तब उन्होंने बात करी थी और ये पहला एक पहला एकमात्र ऐसा लीगल एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज को और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को क्या करता है आपस में जोड़ता है ठीक है अभी अभी तेरह सितंबर दो को यानी कि पिछले साल दो को कॉप की जो फोर्टीन बैठक हुई थी वो भारत के अंदर हुई थी जहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे है ना क्या क्या, क्या स्टेप्स लेके गए थे बहुत सारे आपका आपके रेंज इश्यूज के ऊपर बहुत सारी कमिटमेंट हुई थी जैसे जेंडर एंड हेल्थ के ऊपर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर टेकिंग एक्शन द क्लाइमेट चेंज प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट पीस आ, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव एंड रिकवरी ऑफ ट्वेंटी मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया है ना छब्बीस मिलियन हमने टारगेट रखा था छब्बीस मिलियन जो हमारी डिग्रेडिड जो आपकी लैंड है उसको दोबारा से क्या कर दिया जाएगा पुनः रिस्टोर कर दिया जाएगा तो ये फैसले लिए गए थे अगली बात करते हैं दोस्तों ए AI, आई ए आई आई बी के बारे में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ए आई आई बी क्या है दोस्तों ये बेसिकली चाइना बेस्ड बैंक है यार चाइना यानी कि बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है और इसका पर्पज़ क्या होता हो है दोस्तों देखो यार नाम से ही समझ में एशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही इन्वेस्ट करता है ये सॉवरिन और नॉन सॉवरिन दोनों प्रकार के फाइनेंसिस में डील करता है वैसे तो जितने भी डब्ल्यू टी ओ के मेंबर हैं ना डब्ल्यू एच ओ के ठीक है सॉरी वर्ल्ड बैंक के जितने भी सदस्य हैं सबके सब, सब इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं इसकी जो तो सदस्यता है वो दो भागों में बटी होती है आपका पहला है रीजनल मेंबर जो उस क्षेत्र से है जो एशिया से रीजन से है दूसरा है दोस्तों नॉन रीजनल मेंबर जो वहाँ से नहीं है ठीक है अब वो भी इस बात है भारत तो रीजनल मेंबर रहेगा ना एशिया में ही तो आता है भारत तो हाँ भारत इसका रीजनल मेंबर है भारत इसका सेकंड लार्जेस्ट आपका शेयर होल्डर जो है वो भारत है इसका सबसे ज़्यादा भारत के पास वोटिंग राइट है सेकेंड ना मात्रा में और भारत इसका फर्स्ट नंबर पर बोरोवर भी मतलब उधार लेने में भी हमने हिम्मत नहीं तोड़ी हम पहले नंबर पर आते हैं कहाँ पर है बैंक तो ये बैंक है आपका आ, बीजिंग के अंदर हेडक्वाटर इसका यार अभी अभी इसने ना कोविड नाइन्टीन के चलते लगभग लगभग सात सौ पचास बिलियन डॉलर का ऋण दिया है भारत को तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ए आई आई बी ठीक है ए आई आई बी के संबंध में कुछ कथन दिए गए विचार करो और बताओ क्या कह रहा है इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ये मल्टीलेटरल का मतलब होता बहु है बहुपक्षीय मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं इसमें एक से ज्यादा संस्था शामिल है तो वो बात है तो, तो सच बात है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर इन द एशिया एंड बियॉन्ड विकास ये जो बैंक है एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाद जो स्थायी बुनियादी ढांचा और अन्य उत्पादक क्षेत्र में निवेश करता है बताया तो था मैंने आपको अभी अभी और ये सॉवरिन और नॉन सॉवरिन दोनों प्रकार की फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील करता है कह रहा है रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर गलत कह रहा है दोस्तों रशिया नहीं है क्या है आपका दोस्तों इंडिया आपको बताया था मैंने इंडिया तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों गलत हो गया सो विच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपका बताओ वन एंड टू आर करेक्ट सो ए इज द करेक्ट आंसर ए इसका सही जवाब है बाकी दोनों दोस्तों क्या है दोस्तों गलत है ठीक है जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना सुमित टेन खास है बाकी आप समझदार हो तो ऐसे ही आप भी समझदार हो तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है अभी तो बताया था मैंने आपको है ना सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है इसलिए ए इसका क्या है? सही जवाब है अब ये भी साढ़े सात सौ मिलियन डॉलर का मैंने बताया था कोविड नाइन्टीन के टाइम पर ये ऋण जो है वो साइन किया गया है ए जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन क्या है टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया हेडक्वार्टर इन बीजिंग भाई एशिया के अंदर हमें सोशल जो आपका जो आपका बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करना है इकोनॉमिक व्यवस्था को सही बनाना है ठीक है ए भी जो है वो इन्वेस्ट करता है किसमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो एशिया के अंदर वो कुछ प्रोडक्टिव काम करता है उसमें एशिया और बियॉन्ड उसके अलावा भी ये करता है और इसकी मेंबर सभी जितने भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं सबके लिए खुली हुई है मैंने बताया था बस सदस्य रीजनल और नॉन रीजनल मेंबर में बटे हुए होंगे है ना तो मैंने बता दिया रीजनल में कौन से आएंगे जो एशिया और ओशानिया से आते होंगे बाकी नॉन रीजनल भारत सबसे बड़ा मैंने बताया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और लार्जेस्ट बोर भी है और ये सॉवरिन और नॉन प्रकाश नॉन सॉवरीन दोनों प्रकार के फाइनेंसेज में ये हिस्सा प्ले करता है अब अगली बात आती है दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्लू यार मई के अंदर में ना डब्लू का डेटा रिलीज किया जिसमें पहली बार ये देखा गया कि डेढ़ साल के अंदर ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है कि डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव में चला गया नेगेटिव अब ये होता क्या देखो होलसेल ये बेसिकली इन्फ्लेशन को शो करने का तरीके हैं ठीक है किसको इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई सिंपल भाषा में मुद्रास्पीति बोलते हैं वैसे अच्छा इन्फ्लेशन को दर्शाने के अपने पास दो तरीके होते हैं पहला होता है दोस्तों डब्ल्यू पी आई होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा होता है सी पी आई यार डब्ल्यू पी आई में हम होल सेल रेट के बारे में देखते हैं होलसेल के बारे में देखते हैं डब्ल्यू सी पी आई में हम यहाँ पर कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं ठीक है किसी बारे में बात करते हैं कंज्यूमर तो यार बात करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं है ना सो so यहाँ पर होलसेल अब इसमें समझना बात क्या है देखो कंज्यूमर की बात मैं कंज्यूमर उभोगता हूँ पहले मैं कोई चीज़ खरीदता था दस रुपये में अब वो चीज़ मुझे मिल रही है पंद्रह रुपये में मेरे पे कितना रुपए बढ़ गया पाँच पहले कितना था दस दस पे बढ़ा है ना पाँच रुपये तो दस पाँच अपन दस मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये कितना हो गया आपका दोस्तों दस पाँच दो और ये कितने पचास तो कितना परसेंट प्राइस बढ़ गया पचास प्रतिशत तो इन्फ्लेशन कितने परसेंट होगी पचास पचास परसेंट ये क्या हो गया सी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब होलसेल पर देखते हैं मतलब होलसेल पर मंडी वाले रेट पर पहले दस मिलता था मंडी में अब दो अब आप बारह मिल रहा है कितने रुपये बढ़ गए दो रुपे. किस पे बढ़े हैं दस रुपये पे गुणा में कितना हो गया सौ कितना आ गया दोस्तों आपका इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये बीस परसेंट आ गया तो डब्ल्यू पी आई कितना हो गया बीस मतलब उपभोक्ता के उसमें बीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है उपभोक्ता के हिसाब से पचास प्रतिशत और यहाँ से बीस प्रतिशत दाम इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन और जिसके हिसाब से हम चेक करते हैं उसको बोलते हैं हम आपका बेस ईयर समझ रहे हो तो अभी अभी जो आपके ऑफिस एडवा इकोनॉमिक जो आपका ऑफिस है ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड उसने यार अभी अभी रिलीज़ किया डेटा बिल्कुल सही बात है अभी जो प्राइमरी इसमें ना आर्टिकल होते हैं पता है ये जो हम बात करें ना अब मैंने बोला कि ये तो कोई भी सामान था अभी कोई भी सामान मैं बोल रहा हूँ इस कोई भी सामान होगा क्या क्या तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी प्राइमरी आर्टिकल्स भी होंगे उसमें आपके सेकेंडरी आपका एनर्जी आर्टिकल भी होंगे और आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी होंगी प्राइमरी में नॉर्मल आपका खाने पीने का सामान होगा एनर्जी के अंदर यार आपका दोस्तों एनर्जी जिससे बनती हो आपकी ऊर्जा बनती हो वो काम आएगा और मैन्युफैक्चरिंग में जो विनिर्मित उद्योग विनिर्मित प्रोडक्ट हैं उनकी बात करेंगे ठीक है सो यहाँ पर ओनली वन स्टेटमेंट सही है मैंने बताया था प्राइमरी आर्टिकल जो है ना इनका कॉम्पोनेंट में वेट जो है हार्डली बीस के आसपास होता है सबसे ज़्यादा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का होता है सिक्सटी के आसपास होता है ठीक है सो पहला स्टेटमेंट सही था दूसरा स्टेटमेंट गलत था मैंने आपको बताया था ना लगभग लगभग साढ़े चार साल के अंदर पहली बार जो डब्ल्यू पी आई माइनस में चला गया माइनस तीन दशमलव दो एक परसेंट हो गया गवर्नमेंट ने मई में अप्रैल में डेटा आना था बट अभी मई में एक महीने सस्पेंड कर दिया था क्यों यार मार्च लॉकडाउन भी तो था ना डेटा मिलना ही नहीं था तो इसीलिए ये देख सकते हो आप देखो मैन्युफैक्चरिंग का सिक्सटी फोर परसेंट है इसका फोर्टीन परसेंट है इसका ट्वेंटी पॉइंट ट्वेल्व परसेंट है ठीक है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है डब्ल्यू पी आई के अंदर दोस्तों तो वो है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और इससे देखो इसमें गिरावट भी है भाई तेल के प्राइस में तो कमी आई है ना तो इसीलिए तो डब्ल्यू पी आई घटा है डब्ल्यू पी आई में एनर्जी का भी तो रोल है देखो ये रहा फ्यूल एंड पावर कितना है फोर्टीन पॉइंट ये तो घटा है ना डिक्रीज़ हुआ है ना तेल तो आप देखोगे तो लॉकडाउन में कुछ गाड़ियाँ चली ही नहीं ना तो वो कंजम्पशन कम हो गया उनका सो so, इसके रेट घटे हैं तो डब्ल्यू पी आई भी क्या हो गया घट गया माइनस में चला गया है आपका ठीक है तो ये देख लेना अगली बात करते हैं दोस्तों एमएसएमई की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये क्या है यार अभी अभी आत्मनिर्भर भारत की हमने बात की तो हमने एमएसएमई का क्राइटेरिया चेंज कर दिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा को हमने क्या किया बदला है पता है ना आपको पहले हम क्या करते थे सर्विस का अलग होता था सर्विस में माइक्रो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरिंग में अलग होता था इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता था ठीक है तो अब हमने क्या कर दिया ये सर्विस और मैन्युफैक्चर को हटा दिया एक ही कर दिया हमने ठीक है और अब हमने इन्वेस्टमेंट और आपका टर्न ओवर दोनों को जो है हमने इसमें इंक्लूड कर लिया सो so, देखो एम एस एम ई आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पुट इन एंड इन टर्न ओवर ऑफ द कंपनी ठीक है भाई कितना इन्वेस्टमेंट आपने रखा और टर्न ओवर कितना कंपनी दोनों के आधार पर, पर परिभाषित किया जाता है दर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैनुफेक्चरिंग एंड सर्विस सर्विस एम एस एम ई अभी आप देखोगे तो एम एस एम ई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये स्टेटमेंट आपकी क्या है दोस्तों गलत है सो so, अभी वर्तमान में अगर हम देखिए तो वन एंड टू करेक्ट है आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है यार अभी अभी अर्लियर जो एम एस एम ई डिफाइन होती थी वो मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर होती थी कितना इन्वेस्टमेंट है बट अब जो है टर्न ओवर को भी उसके अंदर क्या कर लिया गया शामिल कर लिया गया है अभी अगर हम बात करेंगे देर इज नो डिस्टिंगशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहा है पहले जो क्राइटेरिया था ना मैन्युफैक्चर यूनिट का और सर्विस यूनिट का वो अलग अलग था लेकिन अब सेम है ठीक है अब उनकेडमी पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं दे कैन इंस्टॉल दिस अन अकेडमी ऐप यू पी आपका गोल है स्केट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे यहाँ पर दोस्तों टू ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है वैसे प्राइस होगा सिक्सटी फोर थाउजेंड आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो कितने में मिलेगा आपको ये दोस्तों मिलेगा आपका फ, फिफ्टी सेवन थाउजेंड के अंदर ठीक है और उसके बाद आपका कोड अप्लाई जैसे ही अप्लाई हो जाता है जैसे आप सब्सक्राइब कर लेते हो आपको मेरे को एक मेल ड्रॉप करना है ठीक है आप मेरे को मेल ड्रॉप करोगे मेरे को बताओगे सर कि हमने सुमित टेन कोड का इस्तेमाल किया है और आपका सब्सक्रिप्शन हमने लिया है आप मेरे को बताओगे आपको मैं ग्रुप में ऐड करूँगा और फिर मैंटरिंग की प्रोसेस आपकी स्टार्ट करके हम आपको पर्सनली मैं काउंसिल करूँगा गाइड करूँगा ठीक है चलिए दोस्तों ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस स्टूडेज क्लास थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद मिलते हैं आठ बजे की क्लास में